हेलो एवरीवन, तन्वी हियर। स्टूडेंट्स, आज हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है और आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग आंसर के लिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन की? डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, जो किसके ऊपर डिपेंड, जिसमें कौन सा सॉल्यूट डाला होता है, जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आपको याद रखना है कौन सा सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। और किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कि आपके पास सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट पार्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? बट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इसी के बेसिस पे कि ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा नाम क्या था? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो कवर की थी, और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है, ठीक है, वो टेम्परेचर जिसपे एट विच आपके पास क्या होगा, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ आपके पास लिक्विड या फिर मैं बोलू सॉल्यूशन का, इट बिकम्स इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाता है? टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई लिक्विड ले लू, ठीक है, इसको मैं कोई भी, जस्ट सपोज वॉटर है, इसको मैं हीट करूं, ठीक है, तो इसको हीट करके इसके इतने वेपर्स बनने चाहिए जितने 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, वो जो वेपर्स बनेंगे वो इस सरफेस पे जब क्या करेंगे, जब उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे जितना 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे अप्लाई होता है, तब जाके ये लिक्विड क्या करेगा, तब जाके ये लिक्विड बॉइल करेगा। तो वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का, आपको बताया था वेपर प्रेशर, हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, वेपर प्रेशर क्या होता है, जब वेपर्स क्या करते हैं, जो लिक्विड की सरफेस पे, ये जो वेपर्स हैं, जब लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, हम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो जब ये वेपर प्रेशर हमारे पास किसके बराबर होगा, जब भी आपके पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, आपका लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्या होता है आपके पास, कि आप लोग किसी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो चेंज कर सकते हैं। वाटर 100 में बॉइल करता है, लेकिन कोई नहीं पूछता कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल करता है कब? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हम वाटर का जो वेपर प्रेशर है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज करके कितना कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। जस्ट क्या चेंज करेंगे, जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या पड़ा बॉइलिंग पॉइंट में, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का या सोल्यूशन का किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, हम यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि डाइल्यूट सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है विद नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपके पास दो यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए क्या करते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ सिंपल लिक्विड, यहाँ पे हम लेते हैं लिक्विड प्लस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं वॉटर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लेती हूँ वॉटर प्लस साल्ट। राइट, तो ये आ गया आपके पास प्योर लिक्विड और ये आपके पास बन गया सोल्यूशन का फेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर प्योर लिक्विड होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स बनेंगे। मान लेते हैं कि जब इसके कितने वेपर्स बनते हैं, जब इसके 10 वेपर्स बनते हैं, तो जस्ट सपोज, सिर्फ सपोज कर रहे हैं, तो अब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है और आपके पास जो लिक्विड है वो क्या करना शुरू कर देता है, आपके पास लिक्विड जो है वो बॉइल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्योर लिक्विड है ना, तो मतलब सरफेस पे सारे लिक्विड लेयर ही होगी और वो आराम से बॉइल कर जाए। लेकिन जब ऐसा सोल्यूशन का केस आएगा जिसमें वॉटर और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो क्या करना पड़ेगा, आपके पास सिर्फ वॉटर प्रेजेंट नहीं होगा, आपके पास बीच में कौन आ जाएगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जो नहीं उड़ेगा वो वाला सोल्यूट भी आ जाएगा। अब जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर्स क्या उतने ही टेम्परेचर पे, मान लो जैसे कि 100 पे बॉइल करता है, तो 100 पे क्या इसके, अगर इसकी एक लेयर उड़ के 10 वेपर्स बन रहे थे, इसके क्या इसके भी सेम वेपर बनेंगे, नहीं, इसके कितने वेपर बनेंगे, इसके कम वेपर बनेंगे, मान लो इसके 8 वेपर्स ही बनते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें 10 वेपर्स इसके बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको और ज्यादा एक्स्ट्रा हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्या हो, ताकि इसके वेपर 8 के बजाय 10 बने, मतलब इसके ज्यादा वेपर बने
और वो वेपर किसके बराबर हो जाए, वो वेपर एटमॉस्फेरिक, वो जो वेपर प्रेशर अप्लाई करे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो और आपका लिक्विड जो है सोल्यूशन जो बॉइल करना शुरू करे। बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसी लिक्विड में डालेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे तो जो सोल्यूशन है वो आपके पास कम वेपर्स बनाएगा क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इवेपोरेट नहीं करेगा। और जब आपको सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, जब आप सोल्यूशन को हीट करेंगे कम वेपर बनेंगे तो आपको सोल्यूशन को एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का वो हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, जो आपके पास प्योर लिक्विड होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, अब आपको बोला था कि हमारे पास जब भी प्योर का केस होता है हम हमेशा उसके सर पे नॉट लगाते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को कैसे लिखते हैं, टीबी, टी हो गया टेम्परेचर और बी हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड कैसे लिखेंगे, टी नॉट बी। ठीक है, तो आपके पास टीबी और टी नॉट बी, आपके पास ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। तो टीबी माइनस टी नॉट बी मतलब डिफरेंस बिटवीन प्योर बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि सोल्यूशन का जब आपको बॉइलिंग पॉइंट नोट करना पड़ा तो उसको ज्यादा हीट करना पड़ा तभी जाके वो बॉइल करा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होती है। और ये लर्न करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपको पता है बॉइल हीट करके करते हैं और हीट करने का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा करना। अब टेम्परेचर जब ज्यादा करेंगे तो हम उसको एलिवेट ही कर रहे हैं ना टेम्परेचर को, तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी लर्न करना में इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यहाँ लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड पे हम हमेशा वेपर प्रेशर लेते हैं और नीचे हम हमेशा टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, अब वेपर प्रेशर किसके बराबर पहुंचाएंगे, हम वेपर प्रेशर पहुंचाएंगे किसके बराबर, मान लो यहाँ पे वन एटमोस्फेयर है तो ये कौन सा प्रेशर हो गया, ये हो गया एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को अगर हम हीट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो हीट होगा और आपके पास क्या होगा, आपके पास एक टाइम आएगा जब वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा और उस टाइम पे वो बॉयल कर जाएगा। तो मान लो ये किसी कर्व है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सॉल्वेंट की कर्व। अब सोल्यूशन का अगर मैं बात करती हूँ तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, अगर सॉल्वेंट है प्योर और सोल्यूशन है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, तो कम होगा आपके पास वेपर प्रेशर, मतलब जो वेपर प्रेशर वाली यहाँ पे जो लाइन आ रही है वाई एक्सिस पे, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा, कम होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो टेम्परेचर है, जब ये आपके पास जो सॉल्वेंट जब बॉइल करेगा जो आपके पास लाइन आएगी दैट विल बी टी नॉट बी, मतलब जो आपको वेपर प्रेशर मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट है ये प्योर बॉइलिंग पॉइंट है ना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा जी, सोल्यूशन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले यहां से क्या दिख रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर और ये सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है क्योंकि सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नहीं हो रहा। उसके बाद जब हम इसको बॉइल करेंगे तो इसको ज्यादा टेम्परेचर जो है ज्यादा देना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या हो, ताकि हमारे पास ये बॉइल कर जाए, वन एटमॉस्फेरिक पे लेट टेम्परेचर में पहुंचेगा। तो मान लो जिस टेम्परेचर पे ये हमारे पास पहुंच रहा है हम उसको बोलते हैं टीबी। ठीक है, इसे टीबी और टी नॉट बी में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि जो डेल्टा टीबी है दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, है ना, टीबी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर है और टी नॉट बी कम टेम्परेचर है, तो टीबी में से टी नॉट बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें वहां से पता चल जाएगा। अच्छा जी, ए और बी क्या है, ए और बी है एक ग्राफ या कर्व जो रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट, और सीओडी क्या है, यह है वेपर प्रेशर कर्व इसकी सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे नोट करनी है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये जो डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखें तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वेपर प्रेशर सोल्यूट और सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर जो इसका डिक्रीज हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या हम बोलू सीधा वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। अपनी पिछली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा आप सोल्यूट डालेंगे उसको उतना ही ज्यादा बॉइल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा टीबी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, काई भी, बस आपको यहां तक आना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि डेल्टा टीबी किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे डेल्टा टीबी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो के काई भी आएगा, राइट।
काई बी को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि काई बी किसके बराबर है, काई बी है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन। ठीक है, एक चीज आपको और बताई थी लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास हमेशा सोल्यूशन कैसा लेते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सोल्यूशन लेते हैं डाइल्यूट। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमारे पास सिंस सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सिंस सोल्यूशन इज डाइल्यूट, हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, सो हम लोग एन बी जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कैन बी निग्लेक्टेड, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं किसमें, इन द डिनोमिनेटर, हम उसको डिनोमिनेटर में निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा काई बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, ग्राफ का काम हो गया, ग्राफ को रब करते हैं और इसके बाद जो आगे वाला है उसको देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। राइट, तो देखिए हमारे पास काई बी आ गया एन बी अपॉन एन ए। अब हमारे पास ये इक्वेशन, जस्ट सपोज इसको मैं इक्वेशन बन देती हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, तो डेल्टा टी बी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी हमारे पास आ जाएगा के की जगह के और एन बी अपॉन एन ए, है ना, के एन बी अपॉन एन ए। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सोल्यूट सेम रखना है, सॉल्वेंट की वैल्यू को चेंज करना है। तो आपके पास क्या करेंगे, के नंबर ऑफ एन बी क्या है, आपके पास आएगा एन बी को, अगर मैं एन बी रखू तो रहने देते हैं, एन ए का क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास सिंस के इज कॉन्स्टेंट, के आपके पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और आपके पास एम ए भी कॉन्स्टेंट है, एम ए इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, के इंटू एम ए, ये एक नया कॉन्स्टेंट आएगा के बी। एक चीज, तो देयरफॉर डेल्टा टी बी किसके बराबर आया, के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये क्या है, ऑल्सो आपके पास क्या है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये बराबर है मोलैलिटी के, और मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं, एम। तो देयरफॉर डेल्टा टी बी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी बी हो गया के बी एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या किया, डेल्टा टी बी हमें वहां से ग्राफ से पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक चीज हमें ये पता चला कि ये बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और हमने वहां से पता लगा लिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें पता है काई बी के ऊपर डिपेंड करता है। काई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, के आएगा, और काई बी की हमने वैल्यू पुट की और बताया ये कैसा है, आपको हमेशा बताना है कि ये सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन में हम हमेशा जो सोल्यूट आएगा किसमें, डिनोमिनेटर में, हम हमेशा उसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो निग्लेक्ट करने के बाद आपके पास बचेगा एन बी अपॉन एन ए, यहाँ पे पुट कर ली उसकी वैल्यू एन बी अपॉन एन ए, एन बी की वैल्यू वैसे रहने दी, एन ए की वैल्यू पुट की डब्ल्यू ए अपॉन एन ए, के जो है सॉल्वेंट है मतलब कॉन्स्टेंट है, हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, एम ए मास ऑफ सॉल्वेंट, जैसे अगर मैं पानी ले लेती हूँ उसका मोलर मास तो हमेशा 18 रहेगा, फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट आपके पास ये जो मोलर मास होता है ये हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तो एम ए भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो के कॉन्स्टेंट, एम ए कॉन्स्टेंट, एक नया कॉन्स्टेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं के बी, और इस कॉन्स्टेंट का नाम है एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर वाले पूछते हैं दो नंबर की डेफिनेशन, एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, राइट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो KB हमारे पास यहाँ पे K इंटू एम ए, हमने KB लिख लिया, NB अपॉन WA बच गया। अब NB अपॉन WA आपके पास क्या आ जाएगा, NB अपॉन WA आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है मोलैलिटी, तो हमने KB इंटू एम ए। ठीक है, अब मुझे अगर KB की वैल्यू, KB के बारे में यहाँ पे बात करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, KB के बारे में, क्योंकि KB के बारे में, KB आपको मैंने बताया कि एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है या मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, इसके बारे में पेपर में पूछ गए। तो वेन आपके पास मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज वन, ठीक है, या मोलैलिटी इज यूनिटी, जब आपके पास मोलैलिटी यूनिटी होगी तो KB किसके बराबर होगा, KB हो जाएगा डेल्टा टी। अब मुझे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, कि भाई जो मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है या कौन सा कॉन्स्टेंट है, एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, ये किसके बराबर है, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है, लेकिन कब, जब मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ केबी की अगर हम बात करें तो यूनिट्स ऑफ केबी कैसे सॉल्व होंगे, बहुत सिंपल, यहां से इस इक्वेशन से देखते हैं, डेल्टा टीबी किसके बराबर है, के बी एम के बराबर है, तो केबी अगर मैं केबी की यूनिट निकालू क्या आएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। अच्छा, अगर आपको पता होगा डेल्टा टीबी मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं, केल्विन। मोलैलिटी के यूनिट क्या होते हैं, मोलैलिटी के यूनिट होते हैं मास पर केजी, और मास के, ठीक है, सॉरी,
मोलैरिटी के यूनिट है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैल्विन मोल पर क्या मोल इनवर्स और केजी, कैल्विन मोल इनवर्स केजी, इसके यूनिट आ जाएंगे। तो हमेशा पेपर में डेफिनेशन आती है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आपने ये यहां से ये बता, ये इक्वेशन लिखनी है कि सिंस डेल्टा डी इक्वल टू के बी एम और यहां से एम की वैल्यू वन लेनी है, डेल्टा डी दिया जाएगा के बी के बराबर, मतलब एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है। कब? जब हमारे पास मोलैरिटी ऑफ एम की वैल्यू जब हमने वन ली, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन जब हमने यूनिटी ले लिया। अब जब इसके यूनिट पूछेंगे तो क्या करना है, डेल्टा यही इक्वेशन लिखनी है, केबी के यूनिट क्या आएंगे डेल्टा टीबी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर हो उसके यूनिट केल्विन ही रहेंगे, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स उसके ऐसे यूनिट्स। और मोलैरिटी के यूनिट क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर केजी, मोल ऊपर लेके जो भी सॉल्व करना हो वैसे सॉल्व, ठीक है। तो ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या है क्या नहीं है जो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था आपको कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी हो उसमें आपको तीन चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। अब एक चीज जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हमने पढ़ ली, सेकंड हमें बताना है कि क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भी या नहीं है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है, क्यों है वो हम इस इक्वेशन से बताएंगे। जस्ट सपोज मैं इसको इक्वेशन टू दे रही हूँ, तो आपको इक्वेशन टू से क्या दिख रहा है, डेल्टा डीबी इक्वल टू के बी एम, ठीक है। अब के बी मैंने बात की कि के बी क्या है, के बी एक कॉन्स्टेंट है, तो विच इम्प्लाइज डेल्टा टी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लगता है ना, तो आपके पास एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एम क्या है, एम है मोलैलिटी, और हमने बात की थी मोलैलिटी होती है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो कल भी लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका मिल जाए जिसके ऊपर कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करे तो वो क्या होती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी तो मोल्स तो सोल्यूट होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे ये जो एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास मोलर मास। अब मोलर मास हम लोग इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा टीबी आपके पास किसके बराबर है, के बी एम। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट मोलैरिटी की वैल्यू, मोलर मास की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाउ यू कैलकुलेट मोलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो के बी का के बी मोलैरिटी की वैल्यू पुट करेंगे। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा जी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी की जगह कहेंगे केबी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे मास, मतलब डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, है ना। और अगर इसकी किसकी बात करो, डब्ल्यू ए की जगह डब्ल्यू ए, अगर मैं इसको ग्राम में ले लूं तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000, ठीक है। आपको क्या सॉल्व करना है, ये होता है सिंपल मास, ये होता है मोलर मास, आपको मोलर मास से निकालना है। तो ये सिंपल ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी यहां से नीचे और डब्ल्यू ए इन ग्राम, ओके। तो अगर हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट के बी चाहिए, के बी हमने पढ़ा कि के इंटू एम ए, तो इनकी डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट वैल्यू है, सॉल्वेंट के लिए एम ए की वैल्यू फिक्स है और के की वैल्यू आपको कॉन्स्टेंट की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू बी मतलब कितना मास लिया है वो हमें पता होगा, कितना डाला है 1000 का पता होगा, डेल्टा टी बी डिफरेंस हमें पता होगा कि सॉल्वेंट कितने पे बॉइल कर रहा है, जैसे हमने पानी ले लिया, पानी 100 पे बॉइल करता है और अगर हम उसमें नमक डाल दे कुछ डाल दे तो मान लो कि वो 105 पे बॉइल करता है, तो डिफरेंस हम दोनों के बीच में निकाल सकते हैं ना 105-100। और डब्ल्यू ए सॉल्वेंट कितने ग्राम लिया है, तो उससे हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस क्वेश्चन में आपको चार पांच चीजें आनी चाहिए, सबसे पहले आपको आना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, पेपर में आपकी है इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जिसमें वेपर प्रेशर किसके बराबर पहुंच जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग। उसके बाद आपको बात करनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमने पढ़ी पूरा ग्राफ के साथ सही तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है, उसका जो सॉल्व सोल्व करके ये इक्वेशन आएगी ये हमें वहां पर निकालनी है, ठीक है। थर्ड चीज हमें बतानी है कि क्या वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो के बी को हमने यहां से हटाना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के बताना है कि है या नहीं है। लास्ट हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो आई होप ये वाला जो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे या नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। थैंक यू।